हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सो इन लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज द मैग्नेट, मतलब बेसिक ऑफ द मैग्नेट, कि मैग्नेट क्या होता है. ठीक है, किस तरह वो अट्रैक्शन और रिपल्शन करता है. तो मैग्नेट के अराउंड एक इन्फ्लुएंस जनरेट करता है, उसको हम बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड. अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होता था, तो उसके पीछे रीजन था मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो हमने ये सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, फिर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर, इस वीडियो में, वो मेनली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कैसे डिस्कवर हुआ. ठीक है, और यदि इसकी डायरेक्शन क्या होती है. ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ, मैंने उस टाइम में भी बताया था कि इस चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके साथ रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, तो हमें इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ना है. चलो, तो देखो अब यदि मैं बात करूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर वायर में, मान लो कोई कंडक्टर वायर, ये मैंने इसमें करंट, ये बैटरी लगा दी, तो इसमें क्या होगा, एक तो इस कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होगा आई, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अराउंड इसमें क्या होगा, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके अराउंड. ठीक है, इस कंडक्टर वायर के अराउंड एक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जब भी हम किसी भी कंडक्टर वायर में करंट का फ्लो करते हैं, तो इसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है, उसी को हम, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये डेफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्ट वायर वेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. देखो, किसी भी कंडक्टर वायर में करंट में फ्लो करेंगे ना, तभी मैग्नेटिक फील्ड उसके प्रोड्यूस होगा उसके अराउंड. यदि करंट फ्लो नहीं, मान लो यहां पर स्विच अभी ऑफ है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा. जैसे मैंने कही कि ऑन की, इसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होगा, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड. और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब तो कोई क्वेश्चन आता है कि डिस्कवर कैसे हुआ, तो एक साइंटिस्ट थे पी ओस्टर्ड, एचसी ओस्टर्ड, मतलब हेनरी ओस्टर्ड. ठीक है, तो वो क्या करते थे, मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये मतलब एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था. वो क्या करते थे, एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. जैसे कि मैं बता दूं आपको, देखो वो एक बार क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो यहां पर उन्होंने क्या कर रखा था, एक कंपास रख रखा था. कंपास समझते ना, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कंपास, दिस इज द स्मॉल मैग्नेट, ये भी अपने आप एक मैग्नेट होता है. तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, ये भी एक अपने आप में मैग्नेट होता है. तो देखो एससी ओस्टर्ड, इसको देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किसने किया था, एससी ओस्टर्ड, एससी ओस्टर्ड ने इसको डिस्कवर किया था 1820. अब ये एक्सीडेंटली भी इसको डिस्कवर हुआ था. क्या कर रहे थे, एक बार एक्सपेरिमेंट, देखो ये इन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत सारा अपना योगदान दिया है. तो एक बार ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो उन्होंने कंपास को ऐसे पास पर रख रखा था, तो जैसे उन्होंने की को ऑन किया, तो इसमें क्या हुआ, जो आपका कंपास है इसमें क्या होता है, नीडल्स होते हैं, नीडल्स भी क्या हुआ, स्मॉल मैग, तो उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ. फिर उन्होंने जैसे की को ऑफ किया, फिर उसमें डिफ्लेक्शन हुआ. तो उनके दिमाग में बत्ती जली, क्या ऐसा हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं करंट को ऑन या ऑफ कर रहा हूँ, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है. फिर उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो बहुत सारे कॉन्क्लूजन निकाले. तो
तो फिर उन्होंने बताया कि भाई जब भी हम किसी भी कंडक्टर वायर में करंट का फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है। अब ये नहीं देखो, अब कोटिंग हो तब भी उसके, मान लो कंडक्टर वायरस के ऊपर कोटिंग होती है ना प्लास्टिक की, तो तब भी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये देख सकते हो आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है ना, छोटा वो कंपास लेना उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई ओपन वायर के साथ ही होगा, ठीक है ना, तो कोटिंग वायर के साथ भी होगा। तो जब भी किसी भी कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के में जब भी किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। और इसी इफेक्ट को क्या बोला गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इससे उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन निकाले, उन्होंने बोला कि यदि, और फिर उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। अभी देखो, अभी करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब उन्होंने क्या कर दिया, करंट को ऐसे फ्लो करवाया, तो क्या हो गया, तो जैसे ही तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गए। तो इस आधार पर उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन दिए कि जैसे मान लो किसी भी कंडक्टर वायर में जितना करंट फ्लो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, यदि करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वो डिफ्लेक्शन कैसे चेंज होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एससीओ स्टडी ने यहाँ पे ये चीजें बताई, और इसी की वजह से हम बहुत सारी चीजें आज जो हमारी फैसिलिटी की हो यूज कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, तो हर जगह टॉयज में, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, जैसे कि मैंने एयरफोन लगा रखा तो इसमें भी हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, मेट्रो ट्रेन हर जगह, इलेक्ट्रिक बेल हर जगह इसका यूज, ठीक है। तो ये चीज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ऑस्टर ने कैसे डिस्कवर किया ये चीज, ये भी चीज समझ में आएगी। पर इन्होंने देखो हमें बताया कि देखो जब मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी होंगे, ठीक है, तो ऑफकोर्स इसमें भी होते हैं। तो अब इन्होंने एक लॉ दिया कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, तो इन्होंने एक लॉ दिया, आई थिंक आपकी ये उसमें नहीं होगा भाई, एक आपकी बुक में नहीं होगा, बट मैं बता देता हूँ कॉम्पिटिशन में आता है। देखो इन्होंने क्या बताया कि यदि हम मान लो कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर है या आईसीएससी में एक एक्टिविटी होती है, तो और इसके नीचे हमने मान ये नीचे यहां पर कंपास को रखा, ये नो स्टॉप है ना, तो ये प्लस ये माइनस, ये मान लो मैंने इसको ए टू बी डायरेक्शन दे देते, ठीक है। तो ऑस्टेड ने बताया जब करंट का फ्लो ए टू बी मतलब साउथ टू नॉर्थ, करंट का फ्लो ए टू बी मतलब साउथ टू नॉर्थ होता है, तो क्या होगा, तो जो नॉर्थ पोल है ना कंपास का, वो डिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की तरफ, किधर होगा रिफ्लेक्शन होगा वेस्ट की तरफ। समझ रहा बस कि जब हम किसी कैरिंग कंडक्टर मतलब एक सर्किट लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट और या कोई वायर लेते हैं इलेक्ट्रिक वायर, उसमें करंट फ्लो करते हैं और उसके नीचे क्या रखते हैं आपका मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो जब इसमें करंट फ्लो करता है तो करंट किधर, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, साउथ टू नॉर्थ यदि करंट फ्लो करता है मतलब A to B, साउथ नॉर्थ है ना, ऐसे करंट फ्लो करता है, तो जो कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा ना वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, या कंपास किधर, कंपास की नीडल किधर डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाई हमने कि भाई ऐसे, हम ऑस्टेड ने ऐसा बताया कि हम ऐसे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं क्या। तो इसको बोला गया कि भाई यदि करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रही है तो जो नॉर्थ पोल होगा ना कंपास का वो किधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की तरफ। अब मान लो इसको भी जैसे उल्टा कर दें, मान लो इसको मैंने क्या कर दिया, अब ये अब बी टू ए कर दिया, मतलब अब क्या करते हैं नॉर्थ टू साउथ करंट की डायरेक्शन, अब मैंने क्या कर दी उल्टी,
इसमें क्या हो जाएगा, अब डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो मैग्नेट का डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, ईस्ट की तरफ। तो ये स्नो के लॉ के थ्रू फिर इन्होंने क्या बताया कि इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ये चीज इन्होंने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने स्नो लॉ दिया, या आप कहते हैं सीबीएसई भी नहीं है पर एज ए नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, जिनका नाम था मैक्सवेल, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने बिल्कुल इजी लॉ दे दिया। ठीक है, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे, जो मैक्सवेल। तो राइट हैंड थंब रूल ऑफ मैक्सवेल मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो इन्होंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर वायर है, ये जैसे कि मेरे पास कंडक्टर वायर है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ने कैसे बताया कि भाई हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये मेरे पास कंडक्टर वायर है, अब मान लो करंट ये ऐसे फ्लो हो रही है, देखो ये मान लो कंडक्टर वायर है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो उन्होंने बोला कि थंब को यदि हम करंट, ये करंट की डायरेक्शन है ना, आई ऐसे फ्लो, तो उन्होंने क्या बताया कि यदि राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि यदि हम थंब राइट हैंड थंब को करंट जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा उस डायरेक्शन में रखें, किसको, थंब को, तो एक कर्ल फिंगर होगी ना, कर्ल फिंगर, ये क्या बताया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे आई समझ में, देखो यदि मैं जो हमारा राइट हैंड का थंब है उसको करंट की डायरेक्शन, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस स्ट्रेट वायर में, तो इस डायरेक्शन में यदि मैं अपने थंब को रखूं तो जो कर्ल फिंगर होगी ना, एक कर्ल फिंगर, ये क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बिल्कुल ईजी कर दिया भाई, कि इस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। क्या सबसे ईजी, देखो मान लो एक कंडक्टर वायर है ये, ठीक है, अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने थंब को इस डायरेक्शन में रखा, तो ये जो कर्ल फिंगर होगी ना, कर्ल फिंगर ये क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी ये। चलो इसको एक एक, तो ये बताया था इसने राइट हैंड थंब रूल के थ्रू मैक्सवेल ने, तो मैक्सवेल के थ्रू हमने क्या कर लिया फाइंड, ये बहुत ईजी लगा। तो देखो, तो इफ यू इमेजिन टू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको हमने राइट हैंड में होल्ड कर लिया, इन योर राइट हैंड विथ योर थंब स्ट्रेट, अब विथ योर थंब स्ट्रेट है ना, एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब को किधर पॉइंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैंने करंट की तरफ इसको थंब को पॉइंट कर लिया। द डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कि मैंने इस थंब को करंट की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर लिया, होल्ड कर लिया, तो ये जो कर्ल फिंगर होगी ना, ये क्या बताएगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है ना, ये ऐसे, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। अब मान लो कैसे, अब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे, ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे, तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये। ठीक है, इस तरीके से, तो ये मैंने ये थंब को इस डायरेक्शन में रखा, तो करंट फिंगर मेरे को क्या बता रही, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हम कंडक्टर में क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो ये आपके बुक में एक एक्टिविटी भी है कि मान लो एक वायर, मान लो एक वायर है ये ऐसे, जैसे एक बॉक्स है, ये एक वायर है, मान लो ये वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है,
ये वायर है, ये वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वायर ऐसे। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने जो जो आयरन आयरन फिलिंग होती है ना, छोटे छोटे टुकड़े आयरन के फिलिंग है ना, तो उसको मैंने क्या करते इसके ऊपर बिखेर दिया। तो जैसे मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा इस वायर में, तो इसके अराउंड जो आपकी जो आयरन के जो फिलिंग्स होंगे वो एक लूप बना लेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल लूप। जब देखो कैसा, ऐसे देखो कैसे, ये ऐसे सर्कल के फॉर्म में ऐसे ऐसे, ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ऐसे ऐसे लूप बना लेंगे, ऐसे ये ऐसे। देखो समझाता हूं इसमें, ये देखो इस तरीके से, देखो ये मान लो यहां पर ये यहां पर होल कर दिया, इस वायर में निकाल के ये ऐसे, और इसको यहां पे किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से मान लो, ठीक है, तो यहां पर यहां पर क्या होगा, ये यदि मैं यहां पर क्या डालूंगा आयरन फिलिंग, तो ये इस तरीके का लूप ले, ये ऐसे 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 एडजस्ट हो जाएगी। तो ये एक तरह से क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये तो बात हुई स्ट्रेट कंडक्टर वायर, स्ट्रेट कंडक्टर वायर में आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे और जो कर्ल फिंगर है वहां में क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बात हुई स्ट्रेट वायर के। अब मैंने क्या करा कि स्ट्रेट वायर को, ये जो हमारा स्ट्रेट वायर था, ये जो हमारा स्ट्रेट वायर था, इसको मैंने क्या कर लिया, सर्कुलर फॉर्म में बना लिया। अब जो हमारा स्ट्रेट वायर था, मैंने इसको क्या कर लिया, एक सर्कुलर फॉर्म में, ये सर्कल के फॉर्म में बना लिया। तो अब इसमें मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे फाइंड करूंगा, तो वही ये, तो देखो ये जो सर्कुलर के फॉर्म में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बिल्कुल ऐसी होती है, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेती है ऐसे, ये जैसे इसमें बना रखा है ना ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे। तो मान लो जैसे कि अब अभी भी मैं निकाल सकता हूं ना किसी, मान लो अब जैसे कि मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया, मान लो कोई भी ये इस पे मान लो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसको सर्कल को मतलब ये कंडक्टर वायर को सर्कल के फॉर्म में ये कर लिया, और अब मैंने इसमें करंट फ्लो करवा दिया, मतलब उसको ओपन करके, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ऐसे, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल। तो अब इसमें मान लो करंट का डायरेक्शन ये जिस डायरेक्शन में मैंने चोक रखा है ना ये ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अब मैं बताओ कैसे फाइंड करूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने क्या किया थंब को, बस वही वही लगा ना राइट हैंड थंब रूल, थंब को ऐसे रखा और ये कर्ल्ड फिंगर क्या बताइए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे है। आई बात समझ, मान लो मेरे को इस डायरेक्ट इस जगह पे फाइंड करना है, तो वही करंट को ऐसे पकड़ो और ऐसे, आरी बात समझ, इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो ये करंट की डायरेक्शन ये ऐसे। मान लो रिवर्स कर दिया मैंने करंट, अब उल्टा कर दिया, तो देखो अब ये ऐसे। तो बस राइट हैंड थंब रूल हर जगह पर हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। देखो ये तो था जब हॉरिजॉन्टल, जब हमने वायर को एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको हॉरिजॉन्टल ही रखा। अब मान लो इसको मैं वर्टिकल की फॉर्म में रखूं, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सर्कुलर, ये सर्कल और ये सर्कल बना लिया, इसको मैंने वर्टिकली रखा वर्टिकल, ठीक है ऐसे। तो इसमें भी आयरन फिलिंग, अब देखो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन जाएगी ऐसे, मतलब कॉन्सेंट्रिक हर जगह पर, जैसे मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूं तो इस जगह पर ऐसे बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें भी ऐसे ये ऐसे, ठीक है। अब मान लो मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे ये, अब इस पॉइंट पे जैसे कि मान लो ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये,
इस पॉइंट पे फाइंड करना तो ये, इस पॉइंट पे तो ये, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं बोर्ड से बता देता हूं एक बार। ये अब मैंने अब इसमें मान लो करंट ऐसे होता है, यहां रखा, ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। मान लो इस जगह पे, इस जगह पे तो ऐसे रख रखे, तो मतलब आपके देखो तीन तीन ये है। एक तो मतलब इसको कैसे रख रखा है, सर्कल को, मतलब एक तो स्ट्रेट कंडक्टर वायर, फिर उसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको एक बार वर्टिकली रखा और एक बार इसको हॉरिजॉन्टली रखा, और आपको फिर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बना लेते, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा लूप बना लेते, लूप बना लेते जैसे इसमें ऐसा। ठीक है, डायरेक्शन कैसे फाइंड कर लेंगे भाई, अब जैसे कि राइट हैंड थंब के थ्रू। ठीक है, अब देखो तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपने एरो देखा है, एरो ये तीर जिसको बोलते, तो उसमें ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे। जब आप 12th में पढ़ते हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वहां पे था, तो मतलब जिधर से, अब देखो मान लो ये तीर है, तो मैंने इसको उठा के ऐसे कर दिया, तो आगे आपको क्या दिखेगा, इसका डॉट, ऐसे डॉट दिखेगा, और पीछे से भी मैं देखूंगा तो मुझे इसका क्रॉस दिखेगा ऐसे। तो देखो वहां पे 12th में कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लो जिधर से एंटर कर रहा है जिधर से निकल रहा है, तो देखो अब ऐसे ये मान लो सर्कल है, ये सर्कल, अब ये देखना वहां पे है ना, ये सर्कल मैंने, तो ये अंदर जाता हुआ दिख रहा है, तो यहां पे मेरे को इसका बैक दिखेगा और यहां से ये इसका फ्रंट, मतलब फ्रंट व्यू दिखेगा, तो यहां पे तो क्या आ जाएगा क्रॉस, और यहां पे डॉट, फिर ऐसे यहां पे मान लो यहां पर रखा, तो यहां ये अंदर घुसता हुआ दिखेगा और यहां से बाहर निकलता हुआ, तो यहां पे डॉट, यहां पे डॉट, ऐसे यहां पे डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, ऐसे ऐसे निकलता हुआ दिखेगा, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। तो इससे पता लग जाता है कि इधर से अंदर घुस रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे, भाई आप बोल रहे हो कि मैं मैग्नेट होती है तो मैग्नेट पर नॉर्थ और साउथ पोल भी होंगे, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, भाई मैग्नेट है तो बिना मैग्नेट बिना पोल्स के तो नहीं दिख सकते, तो बिल्कुल, तो हमें कैसे पता लगेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसकी एक ट्रिक होती है, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, देखो ये देखो ये क्लॉकवाइज है, ये देखो ऐसे, अरे घड़ी की सुई आपकी जो क्लॉक की नीडल इसी डायरेक्ट ऐसे तो घूमती है ऐसे, तो जहां पर घड़ी मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक, तो वो क्या होगा साउथ पोल, तो जहां ऐसे दिखे वो कौन सा हो जाएगा साउथ पोल, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज तो वहां पर क्या होगा नॉर्थ पोल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट, तो जहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज हो वो साउथ पोल होगा, जो एंड जहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो वो क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। देखो इसका हर पॉइंट एज ए स्ट्रेट वायर की तरह वर्क करता है, मान लो ये तो सर्कल, बट इसका मान लो ये पॉइंट लेता हूं, तो ये पॉइंट देखने में ऐसा स्ट्रेट वायर भी तो लगेगा, तो इसके अलावा क्या होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज आई थिंक आपकी सब क्लियर हो गई होगी, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज वो आपका साउथ पोल, और जो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज वहां वो कौन सा होगा आपका नॉर्थ पोल। ठीक है,
अब देखो अब ये चीज देखना, अब मैग्नेटिक फील्ड, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना तो पे ये आता है डिफाइन द मैग्नेटिक राइट एंड थंब रूल है ना, तो ये आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इसे डिनोट करते हैं। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, वही एक ही चीज है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहले मैं बात करूं तो इसकी यूनिट एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट टेस्ला, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी टेस्ला, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दी थी आई थिंक आपको, ठीक है। इसकी फर्स्ट इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, मतलब इसको डिनोट किया जाता है टी से। और अदर्स यूनिट में क्या हो जाता है इसका अदर यूनिट, अदर्स यूनिट किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की अदर यूनिट क्या होगी गॉस, गॉस इसको जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है कैपिटल जी से, ठीक है गॉस। और देखो वन टेस्ला, टेस्ला को किस से डिनोट किया जाता है, वन टेस्ला इक्वल टू होता है 10^4 गॉस। तो भाई जो टेस्ला है ना वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, तो वन टेस्ला इक्वल टू होता है 10^4 गॉस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला में मेजर करते हैं या गॉस में मेजर करते हैं, बट ऐसा यूनिट क्या होती है टेस्ला टी। चलो अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, देखो मान लो ये कोई कंडक्टर है, देखो इसमें यदि करंट आई फ्लो हो रही है तो इसके अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है ये, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब देखो इसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा करंट, तो एक करंट पे डिपेंड करता है और एक रेडियस पे, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस। जैसे मान लो इस कंडक्टर वायर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मान लो ये जो पॉइंट होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जैसे जैसे इस वायर से दूर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा इनवर्सली। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की या डिस्टेंस की, ठीक है। अब जब हम जब सर्कुलर कॉइल्स वगैरह या सोलेनाइड पढ़ेंगे तो वहां पे एक और चीज जुड़ जाती है नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये आपके सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक तो करंट पे, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और एक रेडियस या डिस्टेंस, जितनी ज्यादा मतलब कंडक्टर वायर से जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा क्या होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होता जाएगा, और जितना पास आता जाएगा मतलब उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा जितना पास है। तो ये जो भी पढ़ा एक बार आपके एनसीईआरटी बुक में पढ़ लेना है, ठीक है, तो आपकी सारी चीजें ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो वायर सर्कुलर हो स्ट्रेट हो हमें एक ही लो ध्यान रखना है, मैक्सवेल का राइट एंड थंब रूल, थंब करंट की डायरेक्शन में करो और कर्ल फिंगर से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, बस ये बेसिक लो ध्यान रखना और बाकी सब समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है, ओके थैंक यू।